नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स, एक लैकलस्टर डे, बिल्कुल रेंज में कामकाज कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईयू में जो ब्रिटेन का एग्जिट पोल हो रहा है, ब्रेक्सिट जिसे नाम दिया गया है, उस पे वोटिंग शुरू हो गई है और इसका फैसला जो है वो कल आएगा और ये बहुत मायने रखेगा शेयर मार्केट के लिए। उससे पहले बिल्कुल कॉशियस अप्रोच है, आज कुछ ज्यादा हलचल है, डिफेंसिव की तरफ पोर्टफोलियो बायस हो गया, फार्मा स्टॉक्स पे कहीं ना कहीं खरीदारी बनती हुई नजर आई, कॉशियस अप्रोच ट्रेडर्स लेके चलते हुए नजर आए और 8200 के इर्द गिर्द कामकाज कर रहे हैं। सुबह 11:30 बजे भारतीय समय अनुसार यहां पर वोटिंग शुरू हुई है, 7 बजे ब्रिटेन के समय के अनुसार वोटिंग शुरू हुई और 8200 के लेवल को कहीं ना कहीं रिटेस्ट करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बाजार के पास 8000 का इस सीरीज के लिए। अगर कोई भी नेगेटिव इवेंट आता है तो अभी भी 8000 तक का एक इंपॉर्टेंट बेस फॉर्मेशन बाजार ऑप्शंस फ्रंट पे कर चुका है, क्योंकि वहां पर ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन 87-88 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं बाजार तेजी की ग्रिप में आ सकता है, रिस्क एपेटाइट बढ़ जाएगा अगर ब्रिटेन ईयू का हिस्सा बना रहता है तो। 8207 पे समय निफ्टी फ्यूचर्स कामकाज कर रहे हैं, लगभग 1-1.5% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा। और आज अगर आप ऑप्शंस के फ्रंट पे देखेंगे तो 8200 में इतनी ज्यादा कॉल राइटिंग नहीं है आज के सत्र में, 2.4 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में खड़े होते हुए नजर आए। और साथ ही साथ ये जो बेस फॉर्मेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 8000 की स्ट्राइक, पुट की स्ट्राइक में लगभग 4 लाख शेयर्स का फ्रेश एडिशन लाने की अब आंकड़ा पहुंच गया, 89-90 लाख शेयर्स 8000 के पुट में खड़े हैं। देखिए जब भी ऐसा होता है 89 लाख्स 90 लाख्स के आसपास जो ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन हो जाता है किसी स्ट्राइक में, तो वो लेवल तोड़ना बाजार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई बहुत ही मेजर अगर कोई डैमेजिंग बात निकल के आई तभी ये लेवल टूटेगा, नहीं तो 90 लाख शेयर्स अपने आप में बहुत मायने रखते हैं 8000 की पुट में इस सीरीज के लिए खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं तेजी की पोजीशंस हो सकता है कि मार्केट से बनती हुई नजर आए। कुछ स्टॉक्स जो आज एक्टिव हुए हैं मार्केट में फटाफट से वो देखते हैं, जैन इरिगेशन, हेक्सावेयर, आरकॉम जैसे स्टॉक्स में मोमेंटम स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। टॉप गेनर्स की सूची में परसेंटेज के लिहाज से ये सभी स्टॉक्स आज एफएनओ की लिस्ट में शामिल है। जैन इरिगेशन में लगभग 4.5% की तेजी बन चुकी है, हेक्सावेयर रिकॉर्ड स्टॉक जहां पर आज शॉर्ट कवरिंग होती हुई नजर आई, और रिलायंस कम्युनिकेशन, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन फार्मा में तो आज जोरदार रफ्तार देखने को मिल रही है। चंदन तापड़े जी मेरे साथ जुड़े हैं, चंदन नमस्कार, स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो इंडेक्स पे अप्रोच बताएं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ 8000 की स्ट्राइक की पुट में अब 90 लाख शेयर्स लगभग खड़े हो गए, ये लेवल आसानी से टूटता नजर आता है आपको इस बार? जी हाँ रजत नमस्कार, आपने बिल्कुल सही कहा कि बाजार में लगातार 8000 की पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और वो साफ इंडिकेट कर रहा है कि अब 79-80 8000 एक मेजर सपोर्ट बाजार में काम करता हुआ नजर आएगा। और इंटरेस्टिंगली देखें, बाजार में जो भी नेगेटिव ट्रिगर आ रहे हैं, बाजार में जो भी सेलिंग प्रेशर आ रही है, उस सेलिंग प्रेशर में वापस एक नई बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आ रही है हमें, तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे इंटेक्ट है। जरूर बाजार पिछले 17-18 दिनों से कंसोलिडेशन बैंड में ट्रेड कर रहा है, नीचे में 8065, ऊपर में 8250-8300 जोन, सो अब लग रहा है कि जो भी इवेंट का रिजल्ट रहेगा उसके बाद ये रेंज ब्रेकआउट करेगा और नई उड़ान भरेगा। हमारा मानना है इमीडिएट बेसिस पे जब तक 8150-8170 का जो जोन है वो होल्ड करता है तब तक ट्रेंड इंटेक्ट रहेगा। इंट्राडे के लिए मेरा मानना है 8170 नहीं तोड़ना चाहिए और ऊपर में 8242 के लिए बाजार एक बार अटेम्प्ट कर सकता है। राइट, ठीक है, आपसे मैं काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच भी जानूंगा, लेकिन आप मान रहे हैं कि यहाँ से बाजार जो है वो तेज हो सकता है, 82-42 का लेवल और 81-17 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस एक रेंज पे कामकाज करता नजर आएगा, शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रैटेजी है। लेकिन एक मेजर इवेंट रिस्क बाजार के सामने खड़ा है, उससे पहले स्ट्रैटेजी है निफ्टी पे इतनी स्ट्रांग, अगर आप बेट ले सकते हैं, देखिए किसी भी साइड पे डायरेक्शनल कॉल के लिए बेट ले सकते हैं तो आप ले लीजिए, लेकिन खतरा बहुत ज़्यादा है इस समय निफ्टी स्पेसिफिक काम करने में। तेजी करनी है तो ऑप्शंस के थ्रू ही करना ज़्यादा समझदारी रहेगी। मेरे साथ अलग अलग जानकार जुड़ेंगे, इनफैक्ट स्वाति हॉटकर जी, दीपक पैया, अजीत मिश्रा जी सभी मेरे साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। पहले स्वाति जी ने जो राय भेजी उनका भी व्यू जान लेते हैं, 8250 वो भी लेवल देख रही है, निर्मल बैंक की भी यही स्ट्रैटेजी कि 8250 तक निफ्टी चढ़ सकता है, 8140 का एक स्टॉप लॉस अभी बाउंड अप की मार्केट बनी हुई है और 8140-8150 का लेवल तोड़ना बाजार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो स्टॉक निर्मल बैंक ने भेजा है वो है कर्नाटका बैंक, जिसमें वो समझते हैं कि आने वाले समय के लिए तेजी बनेगी, आज भी एक्टिव है ये पर्टिकुलर स्टॉक इस समय बैंकिंग इंडेक्स में, 1.4% के आसपास की तेजी शो कर रहे, लेकिन 144 तक का टारगेट और 134 का एक स्टॉप लॉस। निर्मल बैंक समझता है कि कर्नाटका बैंक पे आपको तेजी बनानी चाहिए, 144 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, और निफ्टी पे बाय कॉल 8250 के टारगेट के लिए। दीपेश पवैया जी जुड़े हैं आप एक रिसर्च से, दीपेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। दीपेश जी, अगर निफ्टी पे कॉल लेनी हो तो क्या तेजी की कॉल्स दी आपने क्लाइंट्स को? क्या चले दीपेश, आपके पास मैं वापस आता हूँ, उससे पहले आपसे आपके पास वापस आऊंगा सर, लेकिन उससे पहले यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग हो गई और इनफैक्ट वो जो ओपनिंग है वो आधे आधे फीसदी के गेंस के साथ हुई और इसी का इंतजार कहीं ना कहीं मार्केट कर रहा था,
0.6% के गेन्स के साथ डैक्स खुलता हुआ नजर आया, तो पॉजिटिव अप्रोच है। ये बात मैं बार बार कर रहा था कि यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग बहुत मायने रखेगी, आधे फीसदी से ज्यादा के गेन्स कैक शो कर रहा है, तो पॉजिटिव अप्रोच रखिए बहुत बड़े इवेंट से पहले। ब्रेक्सिट पे वोटिंग हो रही है और बाजार चढ़ रहा है, आप ये देखिए कि अब एक ग्लोबल मार्केट्स बहुत स्ट्रांगली यहां पर रैली कर सकते हैं अगर ये इवेंट रिस्क खत्म हो गया तो। आधे फीसदी के गेन्स के साथ कैक फुटसी और डैक्स खुलते हुए नजर आए और वोटिंग पोलिंग शुरू हो चुकी है। दीपेश जी नमस्कार, सर निफ्टी पे स्ट्रैटेजी बताएं। जी सर जी नमस्कार। निफ्टी पर हम देखें तो एक ब्रॉडर रेंज जो बना हुआ है निफ्टी पर कुछ दिन से वो 8260 से 8150 का है। निफ्टी पर ट्यूजडे के दिन में हम देखें तो आवरली चार्ट पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना हुआ है जिसका की नेकलाइन आता है 8160 के आसपास, जहां से कल हमने एक अच्छा बाउंस बैक देखा। जब तक 8160 होल्ड करता है मुझे लगता है यहाँ से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही निफ्टी में लेकर चलना चाहिए। निफ्टी में टारगेट 8280 मेरा रहेगा और स्टॉप लॉस यहाँ पर 8150 का लेकर चलना चाहिए। बिलो 8150 अगर आता है तो फिर हम सेल पर जा सकते हैं। ओके राइट, एक स्टॉक बताएं सर जो एक्टिव हो सकता है। यूरोपियन मार्केट की पॉजिटिव ओपनिंग हुई है अभी जी, डॉक्टर रेड्डी पर मेरा बाय कॉल रहेगा यहाँ पर। डॉक्टर रेड्डी पर एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना हुआ है जिसका की टारगेट आता है 3250 तक और स्टॉप लॉस इसमें ट्रेडर्स 3110 का लेकर लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। अजीत मिश्रा साहब जुड़े हैं। अजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर बताएं रैली गियर की कॉल क्या निफ्टी पे अभी? शुक्रिया, देखिए बाहर पॉजिटिव साइड पर है। ये जब से अनाउंस हुआ था फ्रेंडम को लेकर तब से भी देखा अगर हमने मार्केट को तो कंसोलिडेशन बायस मेंटेन रखा। आज जो दिन आ चुका है वहां पर भी देख रहे हैं बाय एंड लार्ज जो है साइडवेज बायस मेंटेन है। प्लस बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मोमेंटम देखते हुए मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव बायस मेंटेन करके रखना चाहिए। 8140 के स्टॉक के साथ यहाँ पे निफ्टी को अप्रॉम कर सकते हैं 3200 के आगे के लिए। अच्छा ठीक है, आप मानते हैं यहाँ से तेजी बढ़ेगी, 8320 तक के टारगेट्स अप्रोच हो सकते हैं। एक स्टॉक बताएं सर। यहाँ पे ये प्राइवेट बैंक में अच्छा लग रहा है, यहाँ पे एक्सिस बैंक में रिप्लेसमेंट आई है उसके बाद एक फ्रेश बैंक प्राइवेट इसमें फॉर्म हुआ है, तो 512 के स्टॉक के साथ 5400 तक के टारगेट के लिए आप एक्सिस बैंक से बाय कर सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। तो अभी तक जो निफ्टी पे कॉल्स हैं फटाफट से वो बता दो, कोई भी कॉल नेगेटिव साइड पे नहीं आई है, सभी की खरीदारी की सलाह है। चंदन मानते हैं तेजी बढ़ेगी, इनफैक्ट एक रेंज बाउंड मोमेंट इसमें मार्केट्स दिखा सकते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में इवेंट रिस्क प्ले कर रहे हैं। 8242 के टारगेट के लिए निफ्टी खरीदें। स्वाति जी का मानना है, इन्होंने जो हमारी रिसर्च टीम के पास स्ट्रैटेजी भेजी थी उसमें निफ्टी का 8250 का टारगेट ये मान के चल रहे हैं। दीपेश पवैया मानते हैं कि 8260 तक के टारगेट्स के लिए निफ्टी खरीदी जा सकती है। बाय एंड डिप्स का अभी भी कैंडिडेट है और चौथी कॉल जो निफ्टी पे है वो 8320 के लक्ष्य के लिए अजीत मिश्रा की है। तो सभी की खरीदारी की राय, मार्केट का सेटअप अभी भी स्ट्रांग है और ग्लोबल क्यूज कहीं ना कहीं पॉजिटिव पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चंदन आपसे मैं अब कुछ काउंटर्स पूछूंगा, एक तो फार्मा काउंटर्स, इस बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सन फार्मा, इन सभी स्टॉक्स पे आज कमाई जोरदार है। सन फार्मा निचले सिरों से पलटा, डॉक्टर रेड्डीज में चाल बहुत पॉजिटिव है 3 दिन से, क्या करना चाहिए इस स्पेस में? जी देखिए इन ऑलमोस्ट सारे फार्मा काउंटर्स में वापस एक बाइंग हुई है और पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे एक बॉटम फिशिंग अप्रोच दिखाई दे रही है और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होने के बाद नए लॉन्ग के बिल्टअप हो रहे हैं जो संकेत दे रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव मूव बन सकता है। स्पेशली यदि मैं डॉक्टर रेड्डी की बात करूँ, इसने एक प्राइस पैटर्न बनाया था, मल्टीपल बॉटम भी बनाया है और उसके मद्देनजर यहाँ पे 3200 तक का मूवमेंट आ सकता है। लुपिन जिसपे हम पॉजिटिव बायस रख रहे हैं, अब स्टॉक काफ़ी एक बिटर डाउन था बट जिस हिसाब से इसने 1410 के आसपास एक डबल बॉटम बनाया और अब 1470-80 के लेवल को निकाल के होल्ड कर रहा है, 1520 तक का टारगेट लुपिन भी छू सकते हैं। उसके अलावा सन फार्मा पे भी हमारा मानना है कि थोड़ी सी रिकवरी हो सकती है जो 770 से लेकर 775 तक जा सकती है, तो इन तीनों ही काउंटर में एक बाउंस बैक मूव आ सकते हैं और एक मेजर ट्रेंड इनका जो नेगेटिव था उस नेगेटिव ट्रेंड से उभर के आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी मूव देखने को मिल रहा है। राइट, इनफैक्ट जिस तरीके की आज ट्रेडिंग पैटर्न्स हैं, टाटा मोटर्स पे रिलीफ मिला है आज, निचले स्तरों से कुछ खरीदारी है कल की जोरदार बिकवाले के बाद। टाटा मोटर्स इनफैक्ट टाटा ग्रुप के सभी स्टॉक्स में कैसा लग रहा है अभी आपको चार्ट्स पे? जी देखिए टाटा मोटर्स है, ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। टाटा मोटर्स देखिए आज से 3 सप्ताह पहले इसने एक पॉजिटिव पैटर्न बनाया था और उस पैटर्न के हिसाब से काउंटर को 15-20% चलना चाहिए। ऑलरेडी 7-8% की तेजी आ चुकी है और अब ये अपने क्रूशियल हर्डल 480 के 82-85 के आसपास मूवमेंट कर रहा है और स्पेशली देखिए यदि ब्रेक्जिट का जो भी इवेंट होता है जानकारों के हिसाब से इस काउंटर पर काफ़ी इफेक्ट हो सकता है और यदि वो पॉजिटिव निकल के आता है तो मेरे हिसाब से 500-520 तक का लेवल 1-2 दिन में भी टाटा मोटर्स में छूने को मिल सकता है। तो बेहतर सलाह रहेगी कि टाटा मोटर्स की 500 की कॉल ले जो लगभग 6.5-7 रुपए के आसपास चल रही है और यदि कुछ भी पॉजिटिव होता है तो इस कॉल में डबल होने की गुंजाइश है।